क्या आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग यूनिट को प्रिपेयर कर लिया क्या आपको पता है मनी एंड बैंकिंग की यूनिट की वेटेज क्या है क्या आपको पता है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं नहीं पता डोंट वरी वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट जय श्री श्याम दिस इज साक्षी दुआ वेलकम जी टू क्लास ट्वेल्थ ग्रूमिंग एजुकेशन तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ द यूनिट मनी एंड बैंकिंग तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनी एंड बैंकिंग है ये यूनिट आपकी सिक्स मार्क्स की आने वाली है और यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ बेटा सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मनी सप्लाई क्या होता है एम वन को एक्सप्लेन करना एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई नेक्स्ट बेटा मनी क्रिएशन फंक्शन मनी क्रिएशन या जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ये किसका फंक्शन है यह बेसिकली कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नेक्स्ट बेटा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एक फंक्शन बेटा थ्री टू फोर मार्क में पूछ लिया जाता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ठीक है और जो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का ही पार्ट है ये सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई तो यहां पे बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हम स्टडी करेंगे दो पार्ट्स में राइट तो ये मनी सप्लाई एम वन मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ये हमने पार्ट वन में स्टडी करना है ठीक है और सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई ये आपको बेटा पार्ट टू में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्री टू फोर मार्क में क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई मनी सप्लाई क्या होता है एक्सप्लेन एम वन एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई एम वन को एक्सप्लेन करो जो कि एक मेजर है मनी सप्लाई का ठीक है तो आइए यहाँ पे बात करते हैं बच्चे सबसे पहले मनी सप्लाई के बारे में देखिए हम सब के पास मनी होती है हम सब के पास करेंसी नोट्स भी हैं क्वाइंस भी हैं और जनरली हम सब ने बैंक अकाउंट भी ओपन कर रखा होता है तो बात करते हैं मेरी मनी की मेरे पास मनी मेरे वॉलेट में भी पड़ी है मेरे पास मनी मेरे बैंक अकाउंट में भी है ऐसे ही बेटा आपके पेरेंट्स के साथ भी होगा आपके पेरेंट्स के पास भी मनी होगी उनके वॉलेट में और उनके बैंक अकाउंट में ऐसे ही आपके पास होगा राइट right? तो ऐसे ही सब लोग जितने भी इकोनॉमी में रहते हैं उनके पास भी ऐसे ही होगा कि उनके वॉलेट में भी पैसा है और उन्होंने बैंक अकाउंट भी ओपन करा रखा है तो उनके बैंक अकाउंट में भी पैसा है अब जैसे हम हाउस होल्ड्स के साथ ऐसा है हम कंज्यूमर्स के साथ ऐसा है इन द सेम वे फॉर्म्स के साथ भी ऐसा ही होगा उनके पास भी पैसा होगा उनका बैंक अकाउंट भी होगा राइट right? तो यहाँ पर जितनी भी टोटल मनी टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हम सब लोगों के पास है बेटा हम सब लोगों के पास है पब्लिक के पास है उसे हम क्या बोलते हैं मनी सप्लाई ठीक है अब ये पब्लिक में कौन कौन आता है मैम आपने बताया मनी सप्लाई है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी दैट वी पीपल आर होल्डिंग तो ये जो पब्लिक वर्ड आप यूज कर रहे हो कि पब्लिक के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है अब इस पब्लिक में कौन कौन आ जाता है तो बेटा इस पब्लिक में मेजर दो लोग आते हैं दो सेक्टर्स आते हैं एक होते हैं हाउस होल्ड यानी कि हम कंज्यूमर्स दूसरा होते हैं बेटा फर्म्स ठीक है तो इन शॉर्ट मनी सप्लाई को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मनी सप्लायर टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज होल्ड बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स इन द इकोनोमी अब बात करेंगे कि मनी सप्लाई क्या है बेटा मनी सप्लाई एक स्टॉक है देखिए दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं ठीक है एक होता है बेटा फ्लो एक होता है स्टॉक फ्लो वो चीजें होती हैं जिनका टाइम डायमेंशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी आप किसी से उसकी सैलरी पूछोगे बेटा तो उसने मान लो बताया कि वन लाख रुपीज अब आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन उठने लगेंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है कि ये वन लैख वन मंथ की सैलरी बताइए या पूरे ईयर की सैलरी बताई है या वन वीक की सैलरी बताइए है ना आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएंगे आप किसी से किसी का हाउस रेंट पूछोगे उसने बोला फोर्टी थाउजेंड रुपीज तो अब आपके माइंड में तो क्वेश्चन आएगा ना कि ये पर मंथ का बोला है या पर एनम बोला है या पर डे बोला है राइट right? तो बेटा ये सब क्या होता है ये चीजें इनकम्प्लीट है अगर आप इनके साथ मेंशन नहीं करोगे कि ये पर मंथ है या पर ईयर है इस टाइप की चीजें जिनके साथ लेंथ ऑफ टाइम एसोसिएटेड होता है मंथ क्या है लेंथ ऑफ टाइम है राइट right? ईयर क्या है लेंथ ऑफ टाइम है इन सारे वेरिएबल्स जिनके साथ लेंथ ऑफ टाइम होता है उसे हम बोलते हैं बेटा फ्लो ठीक है और अगर अब मैं पूछो कि आपका घर जिसमें आप रह रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है तो आपका आंसर क्या आएगा मैम वन करोड़ रुपीस मैम टू करोड़ रुपीस राइट अब इसमें पर मंथ या पर एनम का कुछ काम है क्या बेटा नहीं है ना तो यहां पर ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं जिनका पर मंथ या पर एनम यानी कि लेंथ ऑफ टाइम से कुछ भी एसोसिएशन नहीं होता कुछ भी रिलेशन नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं स्टॉक ठीक है तो जिनका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है ठीक है जिनको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं राइट right. आपको मैं बोलूंगी आज अपने घर की वैल्यू बताओ आप बता दोगे आपको मैं बोलूंगी कल आपने घर की वैल्यू बताओ तो आप कल की भी बता दोगे आपको मैं बोलूंगी दस दिन बाद की आपने बतानी है आप वो भी मुझे बता दोगे उसका टाइम डायमेंशन से पर मंथ पर एनम उससे कोई लेना देना नहीं है सेम बेटा मनी सप्लाई भी क्या है एक स्टॉक है मनी सप्लाई को भी मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ़ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इसका लेंथ ऑफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है आप जिस मर्जी टाइम चाहो आप मनी सप्लाई को क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो तो आइए बेटा देखते हैं मनी सप्लाई की डेफिनेशन मनी सप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक मतलब मनी सप्लाई क्या है टोटल वॉल्यूम यानी कि टोटल क्वांटिटी मतलब टोटल पैसा हमारे पास जितना भी है जितना हम पब्लिक ने होल्ड कर रखा है पब्लिक यहां पर फर्म्स एंड हाउस होल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इन एन इकॉनमी इट इज कॉल्ड मनी सप्लाई एक इकॉनमी के अंदर जितने भी पब्लिक है उसने जितना भी टोटल पैसा होल्ड कर रखा है उसे हम क्या बोलते हैं मनी सप्लाई और इसे हम मेजर कैसे करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चलिए आगे बेटा अब हम बात करेंगे इसके एम वन फीचर की ठीक है एम वन एम वन का ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है बेसिकली ये एम वन है क्या देखिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बेटा बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई मेजर्स मतलब हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट कैसे करते हैं सबसे पहले तो बेटा आपको यह पता होना चाहिए इंडिया में मनी सप्लाई कौन कैलकुलेट करता है तो बेटा इंडिया में आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कैलकुलेट करता है ठीक है अब देखेंगे हाउ मेनी मेजर्स यानी कि कितने मेथड्स हैं मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के तो देर आर फोर मेजर्स मेथड्स ऑफ मनी सप्लाई एंड द नेम्स दर एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर ओके अब बेटा एम टू एम थ्री एम फोर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे स्टडी नहीं करेंगे हम सिर्फ स्टडी करेंगे एम वन को तो आइए स्टडी करते हैं बेटा तो आइए देखते हैं बेटा फॉर्मूला ऑफ एम वन देखिए एम वन एक मेजर है एक मेथड है जो आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए अब ये जो फॉर्मूला ये आपके सामने है एम वन इज इक्वल टू करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक यानी कि हम लोगों के पास यानी कि फर्म्स के पास और हाउस होल्ड के पास जो भी करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस हैं वो हमें इंक्लूड करने हैं एम वन को निकालने के लिए और क्या इंक्लूड करना है डिमांड डिपॉजिट्स अब ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है बेटा डिपॉजिट्स होता है जो आपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया हुआ है अपना दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट्स अब डिमांड डिपॉजिट्स वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं कि बैंक को आप बोलोगे कि मुझे पैसा वापस दे दो तो बैंक आपका पैसा आपको वापस कर देगा तो डिमांड डिपॉजिट में बेटा दो टाइप के डिपॉजिट्स आते हैं डिमांड डिपॉजिट्स में Osionfish. दो टाइप के डिपॉजिट्स आते हैं वो कौन से होते हैं एक होते हैं बेटा सेविंग्स डिपॉजिट, एक होते हैं करंट बैंक अकाउंट डिपॉजिट। अब ये जो सेविंग्स डिपॉजिट होती है ना ये हम हाउस होल्ड बैंक अकाउंट जो खुलवाते हैं उसके अंदर जो पैसा रखते हैं वो होता है ठीक है और ये जो करंट डिपॉजिट होते हैं बेटा ये फर्म्स अपना बैंक अकाउंट खुलवाती हैं और उसके अंदर जो पैसा रखते हैं जो फर्म्स उसके अंदर पैसा रखती हैं उसे हम क्या बोलते हैं करंट डिपॉजिट्स सो सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स दोनों मिलाकर क्या बनता है डिमांड डिपॉजिट्स क्योंकि ये दो ऐसे डिपॉजिट हैं कि जैसे ही बैंक को बोला जाएगा कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए तो बैंक बेटा वो पैसा आपको वापस कर देता है नेक्स्ट अदर डिपोजिट्स विद आर बी आई आर बी आई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक तो आर के पास भी बेटा डिपोजिट्स होते हैं अब ये अदर डिपोजिट्स विद आर के अंदर क्या क्या आता है देखिए डिपॉजिट्स जो फॉरेन बैंक के हैं आर के साथ डिपोजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक आर के साथ ठीक है और दूसरा बेटा डिपोजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के भी जो डिपोजिट हैं हमारी आर के पास वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं आई so होप आपको अब समझ में आया होगा कि एम वन क्या है बेटा एम वन एक मेजर है मनी सप्लाई को मेजर करने का एक मेथड है जिसको हम calculate करते तीन करते तीन चीजों को हैं तो कुछ इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि वो इसी से लिंक्ड है तो आप देख सकते हैं लाइक like आपको आ गया कैलकुलेट करो एम वन ठीक है और आपको दे रखा है बेटा करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक दिस इज फाइव करोड नेक्स्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट्स एट करोड नेक्स्ट वन इज अदर डिपॉजिट्स विद आर बी आई अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई इट इज टू करोड तो अब बेटा हमें एम वन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे एम वन का फॉर्मूला लगा दोगे विच इज करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक सी डी डी यानी डिमांड डिपॉजिट प्लस ओडी यानी अदर डिपॉजिट्स तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे फाइव करोड़ प्लस डिमांड डिपॉजिट इज एट करोड़ प्लस अदर डिपॉजिट इज़ टू करोड़ तो बहुत ही सिंपल ऐसे वैल्यूज आप सब्सटिट्यूट कर दोगे एंड द आंसर इज फिफ्टीन करोड तो फिफ्टीन करोड़ इज द एम वन हो सकता है बेटा कोई चीज़ आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हो लाइक like आपको यहाँ पे दे रखा है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स रुपीज फोर करोड तो ये आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ठीक है आपको इग्नोर करना है बेटा यूजर्स नीड टू पिकअप द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर फॉर्मूला ठीक है बाकी सब आपको इग्नोर करना होगा तो आइए आगे देखते हैं बेटा एम वन के बारे में तो आइए आगे देखते हैं बेटा एम वन के बारे में एम वन क्या है मोस्ट लिक्विड है मोस्ट लिक्विड मेजर बोला जाता है इसे क्यों मोस्ट लिक्विड मेजर बोला जाता है लिक्विड का मतलब होता है बेटा जो बहुत ही जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है तो एम वन की जितने भी कॉम्पोनेंट्स है ना करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक वो तो ऑलरेडी पैसों में ही है दूसरा डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट बहुत जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद डार बिया ये भी बहुत जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है तो इसलिए एम वन को क्या बोला जाता है मोस्ट लिक्विड मेजर जितने भी मेजर्स आपने देखे ना एम टू एम थ्री एम फोर एंड एम वन उनमें से एम वन मोस्ट लिक्विड रहता है सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यही है सबसे ज़्यादा जल्दी मतलब यही वाला कॉम्पोनेंट्स है एम ही है जो पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो ये मोस्ट लिक्विड होता है और ये भी क्या होता है स्टॉक होता है ये भी मतलब मेजरेबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चलिए और इसको बोला जाता है बेटा नैरो मनी ये चीज आप ध्यान रखो वन मार्कर में आ सकता है नैरो मनी बोला जाता है एक होता है बेटा ब्रॉड मनी एक होता है नैरो मनी क्योंकि एम वन के कॉम्पोनेंट्स काफी कम होते हैं तो इसलिए इसको नैरो मनी बोला जाता है बाकी जो एम टू एम थ्री एम फोर है उनके कॉम्पोनेट्स बेटा एम वन के कम्पेरिजन में ज्यादा होते हैं वो खैर आपके सिलेबस में नहीं है बस आप ये ध्यान रखो कि एम वन को क्या बोला जाता है नैरो मनी चलिए अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा हाउ डज कमर्शियल बैंक वर्क लेकिन हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक को अच्छे से समझना है तो आइए बेटा ये है हमारा बैंक ठीक है यहाँ पे हैं ये कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है ठीक है जिनके एक्सपेंसेस कम हैं और इनकम क्या है ज्यादा है दीज पीपल हैव सरप्लस मनी और यू कैन से एक्स्ट्रा मनी ठीक है तो ये क्या करते हैं बेटा ये बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और पैसा जमा कर देते हैं अब इससे क्या होता है बैंक के पास क्या आ गए डिपोजिट्स आ गए लेट सपोज बैंक के पास बेटा वन लैख ,00 के डिपोजिट्स आ गए ठीक है अब आगे बैंक उन पैसों का क्या करती है जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं बैंक उन उन लोगों को लोन दे देती है बेटा जिनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है डेफिसिट मनी शॉर्टेज ऑफ मनी ठीक है तो बैंक इन लोगों को लोन दे देती है बच्चे ओके अब देखो बैंक इनका पैसा यूज़ कर रही है आगे इन लोगों को लोन देने के लिए अब मुझे पहली बात तो ये बताओ कि डिपॉजिट जो एक लाख के आए हैं बैंक पूरा का पूरा डिपॉजिट इन लोगों को दे दे पूरा का पूरा डिपॉजिट मतलब यूज़ कर ले लोन देने के लिए इन लोगों को नहीं ना क्यों नहीं क्योंकि बेटा हो सकता है कि ये जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने अकाउंट अपना बनवाया है बैंक में ये कुछ ना कुछ पैसा वापस लेने के लिए आए है ना तो बैंक कहाँ से देगा अगर बैंक अपने पास ही डिपोजिट नहीं रखेगा देखो डिपोजिट में से बैंक दो चीजें रखता है बेटा एक होता है एस एक होता है सीआरआर ये बहुत अच्छे से समझना ये बहुत जरूरी है एस होता है बेटा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एस एल आर इज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सी आर आर इज कैश रिजर्व रेशो कैश रिजर्व रेशो ओके अब ये एस एल आर क्या है एस एल आर है वो परसेंटेज ऑफ डिपोजिट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है ठीक है क्यों रखता है अपने पास कि अगर कोई अकाउंट होल्डर अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आया तो उसके पास पैसे तो कुछ होने चाहिए सो दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच इज कैप्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद सेल्स दैट इज कॉल्ड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो लेट सपोज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो इज टेन सो टेन ऑफ वन लैख इज टेन तो मतलब टेन थाउजेंड एस एल आर यानी कि टेन थाउजेंड रुपीज कमर्शियल बैंक अपने पास अलग से रख लेगा आगे बात करते हैं बेटा सी आर आर की

एट्टी थाउजेंड रुपीज अब ये कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है लोन में दे सकता है जिसे हम क्या बोलते हैं लेंडिंग लेंडिंग कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब लोन में कितना पैसा कमर्शियल बैंक दे सकता है लोन की फॉर्म में तो ये दे सकता है एट्टी ये होती है लेंडिंग कैपेसिटी अच्छा और यहाँ पे क्या समझेंगे बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसे हम क्या बोलते हैं एल आर आर एल आर आर स्टैंड फॉर लीगल रिजर्व रेशियो सी आर आर और एस एल आर का कॉम्बिनेशन क्या होता है एल आर आर ठीक है लीगल रिजर्व रेशो ये जो एस का रेट है सी का रेट है ये सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस और यू कैन से फंक्शन ठीक है देखिए बेटा कमर्शियल बैंक को हम वन लैक देते हैं ना तो उससे वो जो मनी और जो लोन क्रिएट करता है इकोनॉमी में वो कम से कम टेन लैक्स आराम से कर सकता है ठीक है तो मतलब आप देख सकते हो कि वन लाख रुपीज एक्चुअली में हमने कमर्शियल बैंक को दिए थे और उससे कमर्शियल बैंक ने टेन लाख रुपीज जनरेट कर दिया मनी भी और लोन भी तो इसका मतलब क्या है टेन टाइम्स क्या है टेन टाइम्स मनी क्रिएट कर दी गई है इकोनोमी में बाय कमर्शियल बैंक इसी को ही बोलते हैं बेटा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली कमर्शियल बैंक को फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट एंड फैक्ट्रीज ऑफ मनी बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता, करता है इकोनॉमी में मनी को मल्टीप्लाई करता है लोन को मल्टीप्लाई करता है ठीक है तो आइए देखते हैं कैसे करता है ये सबसे पहले बेटा बात करेंगे एजम्पन्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तो अच्छे से समझो इसकी कुछ एजम्शन सबसे पहले आपको बतानी है अगर आ जाता है क्वेश्चन की एक्सप्लेन द मनी क्रिएशन प्रोसेस और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन कुछ भी आ जाए अगर तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे, दे देना कि कमर्शियल बैंक को को फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज ऑफ ऑफ क्रेडिट बोला बोला जाता है या बोला जाता है है या मनी मनी बिकॉज वो क्रिएट करते हैं या लोन को क्रिएट करते हैं ठीक है अब इसकी कुछ एजम्पन्स देखते हैं एजम्पन्स मतलब जो पहले से बातें मानी हुई चल रही हैं तो एजम्पन्स बेटा ये वो होती हैं जो हमने अपने आप कुछ मान लिया है तो हमने ये तीन चीजें मानी हैं ऑल कमर्शियल बैंक यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जितने भी commercial banks है सब मिलाकर एक ही बैंक ट्रीट होंगे ठीक है? सब अलग अलग इन शॉर्ट मतलब क्या कहा जा रहा है इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है चलिए दूसरा ऑल ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू बैंक मतलब जो भी पेमेंट करनी है या कुछ पैसा रिसीव करना है सब कुछ कैसे होगा बैंक के थ्रू होगा मतलब चेक के ट्रांजेक्शन मतलब चेक के थ्रू होने वाला है सब कुछ ओके सो ऑल द ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू बैंक और यू कैन से चेक मतलब कुछ भी पैसा दे रहे हो या ले रहे हो सब बेटा बैंक से होगा कुछ भी कैश ट्रांजेक्शन इसमें कि पैसा पकड़ा दिया वो वाली चीज़ नहीं होगी कैश के थ्रू ही पैसा लिया भी जाएगा और पैसा दिया भी जाएगा नेक्स्ट एल आर आर विल रिमेन फिक्सड एल आर आर सेम रहेगा

दूसरा आपको दिखाना है डिपॉजिट्स तीसरा आपको दिखाना है एल आर आर चौथा आपको दिखाना है बेटा यहां पर लोन्स की लैंड कितना कर दिया ठीक है फर्स्ट राउंड की बात करते हैं लेट सपोज बेटा बैंक के पास वन लाख रुपीज का डिपोजिट आया और एल आर आर है टेन परसेंट ठीक है यानी कि वन लाख का डिपॉजिट अगर कमर्शियल बैंक के पास आया है तो कमर्शियल बैंक 10% का एलआरआर साइड में कर देगी एलआरआर के अंदर ही सीआरआर भी आ गया और एसएलआर भी आ गया 10% इसका हो गया 10000 तो ये अलग किया और बाकी का क्या दे दिया लोन में दे दिया तो 1 लाख ,00 में से 10000 तो अलग किया बाकी बचा 90000 जो लोन में दे दिया अब जिसे लोन दिया है उसने किसी की पेमेंट करनी थी उसने पेमेंट करी चेक के थ्रू तो 90000 की पेमेंट चेक के थ्रू हुई तो दोबारा से मतलब किसी के बैंक अकाउंट में ही पैसा आया और बैंक भी एक ही है तो मतलब हम सेकेंड राउंड में कहेंगे कि वही पैसा मुड़कर किसके पास आ गया कमर्शियल बैंक के पास आ गया नाइनटी थाउजेंड रुपीज क्योंकि बैंक अकाउंट में ही गया है ना पैसा तो अल्टीमेटली बैंक के पास ही डिपोजिट बन के वो दोबारा से आ गया अब इस नाइनटी में से टेन तो हम एल रख देंगे यानी कि नाइन बाकी का हम क्या कर देंगे बेटा लोन दे देंगे एटी अब दोबारा से ये पैसा मुड़ के कहाँ आ जाएगा बैंक में एट्टी वन थाउजेंड दोबारा से आ गया एज अ डिपोजिट बैंक में एल आर आर इस एट्टी वन हंड्रेड एल आर आर साइड में रखा टेन परसेंट इसका फिर बेटा सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड दोबारा से क्या दे दिया लोन दे दिया तो ऐसे ही ये राउंड्स क्या होंगे चलते चले जाएंगे ठीक है एंड में आपको ऐसे बेटा ये हाई दिखाना है कि ये राउंड्स क्या हैं ये कॉन्टिन्यूस है चलते चले जाएंगे फिर आपको लास्ट में क्या दिखाना है बेटा टोटल ठीक है अब टोटल कैसे करना होता है आपको देखिए मनी क्रिएशन का ना हमें फॉर्मूला लगाना है और मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन इसका फॉर्मूला होता है बेटा इनिशियल डिपॉजिट इनिशियल मतलब पहला इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट भी आप इसे बोल सकते हो इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय एल आर आर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो है वन लाख और एल हमने कितना लिया था टेन परसेंट तो आइए निकालते हैं इसको वन लाख इज द इनिशियल डिपॉजिट यानी कि पहला डिपॉजिट डिवाइडेड बाय आर आर इज टेन परसेंट तो आप इसको बेटा ओपन कर दोगे परसेंटेज को टेन अपॉन हंड्रेड तो इट विल बी टेन लैक्स So, ये टेन लैक्स आपका क्या आ गया मनी क्रिएशन तो आपने डिपॉजिट्स के टोटल में क्या लिखना है बेटा टेन लाख ठीक है अब इस टेन लाख का टेन परसेंट यानी कि वन लाख वो एल आर आर है और इन दोनों का डिफरेंस टेन लाख माइनस वन लाख विच इज नाइन लाख ये है बेटा लैंडिंग कैपेसिटी टोटल लोन्स ठीक है इस तरीके से आपने ये टेबल बनाना है आगे चलते हैं आगे यहां पे मनी सब मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन तो हम निकाल चुके बेटा अब हमें यह देखना है कितने गुना मनी क्रिएट हुई है ठीक है यानी कि वी विल टॉक अबाउट द मनी मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला दो है एक तो है पहला फॉर्मूला ये दिखा रही हूं टोटल मनी क्रिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट। ओके तो ये होगा टोटल मनी क्रिएशन इज टेन लाख। इनिशियल डिपॉजिट इज वन लाख। सो इट इज टेन आपको कुछ लिखना नहीं है इसका कोई यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा so, आप फॉर्मूला कोई भी लगा लो लेकिन दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए ठीक है तो यहां पे बेटा इसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ इस तरीके के आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि इनिशियल डिपॉजिट है इनिशियल डिपॉजिट है फाइव थाउजेंड रुपीज एल है टेन परसेंट तो टोटल मनी क्रिएशन या टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालो तो टोटल मनी क्रिएशन हम कैसे निकालेंगे Initial deposit divided by LRR. So, initial deposit would be 5000 divided by 10%. So, it would be 50,000. Okay. तो इस तरीके से बेटा आ जाएगा अब इसी में अगर मनी मल्टीप्लायर निकालना होता तो क्या करते टोटल मनी क्रिएशन यानी कि फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट यानी कि फाइव थाउजेंड विच कम्स आउट टू बी टेन तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे विच इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक बेटा मैंने आपको बताया सारे फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट है कोई भी एक फंक्शन पूछ लिया जाएगा थ्री टू फोर मार्क में तो आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक सबसे पहले बेटा सेंट्रल बैंक क्या होता है देखिए सेंट्रल का मतलब ही क्या होता है मेन अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो फाइनेंस में डील करता है पैसों में डील करता है और एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट एपेक्स मतलब बेटा टॉप मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटी सबसे ज्यादा पावर बैंकिंग इंडस्ट्री में किसे प्रोवाइड की गई है वो प्रोवाइड की गई है सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटरी बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी क्योंकि ये रूल्स एंड बनाता है जो फॉलो करने होते हैं सारे के सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फिर ये सिर्फ रूल्स बनाकर नहीं छोड़ता ये सुपरवाइज भी करता है बेटा सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को ये सुपरवाइज भी करेगा सुपरवाइज मतलब सुपरविजन रखना मतलब आंख रखना उनके ऊपर एक तरह से देखना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं क्या सारे के सारे कमर्शियल बैंक वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जो सेंट्रल बैंक ने बनाए हैं या नहीं तो ये सब देखना भी सेंट्रल बैंक का ही काम है तो सेंट्रल बैंक इज इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी बॉडी एंड सुपरवाइजर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक चलिए अब हम बात करेंगे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा सेंट्रल बैंक का बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी क्वेश्चन जनरली थ्री मार्क्स का कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है वाई सेंट्रल बैंक अ बैंक ऑफ इशू यहां पर बेटा मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक सारे के सारे करेंसी नोट्स को इशू करता है सिर्फ वन रूपी नोट को छोड़कर ऑल करेंसी नोट एक्सेप्टन रूपी नोट ओके okay. तो ये वन रुपी नोट कौन इशू करता है मैम वन रुपी नोट बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो यहाँ पर आर आए, सारे करेंसी नोट्स इशू करता है लेकिन एक वन रुपी नोट को इशू नहीं करता क्वाइंस भी आर बी इशू नहीं करता है तो वन रुपी नोट एंड क्वाइंस ये बेटा कौन इशू करता है ये इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है तो यहां पे एक बार रिकॉल कर लेंगे कि यहां पर बेटा आरबीआई जो है वो सारे के सारे करेंसी नोट इशू करता है सिर्फ वन रूपी नोट को छोड़कर और जो क्वाइंस है वो भी आरबीआई इशू नहीं करता तो वन रुपी नोट एंड क्वाइंस कौन इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो ये चीज आपको यहाँ पे जरूर बतानी है अब दूसरी बात करेंगे देखिए, जब भी इतनी बड़ी अथॉरिटी इतनी बड़ी पार जब सेंट्रल बैंक को दी गई है कि वो मनी को इशू कर सकता है तो उसके लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है यानी कि एक बाय लॉ एक चीज है जो उसको जरूर फुलफिल करनी है लीगल रिक्वायरमेंट डेट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है बेटा कि सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी दी गई है टू इश्यू द करेंसी तो उसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को बेसिकली सेंट्रल बैंक को मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है ठीक है उसमें से 115 करोड़ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड वो गोल्ड की फॉर्म में हो एंड रुपीज एटी फाइव करोड़ फोर की फॉर्म में यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में हो सकता है ठीक है ये चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है बैंक ऑफ इशू में ही अब आगे मेरिट्स क्या है देखिए बैंक ऑफ इशू का मेरिट्स ये हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही इजी सुपरविजन रख सकती है क्योंकि करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी एक के हाथ में है सेंट्रल बैंक तो बैंक तो गवर्नमेंट को सिर्फ सेंट्रल बैंक को सुपरवाइज करना तो इजी हो जाता है सुपरविजन ये मेरिट्स हम किसकी बात कर रहे हैं मेरिट्स हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक को इशू ऑफ करेंसी की अथॉरिटी दी गई है उस चीज के एडवांटेजेस तो एक तो इजी सुपरविजन बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट बहुत ही इजीली सुपरवाइज कर सकती है ठीक है दूसरा बेटा पब्लिक फेथ लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ट अप हो जाता है सेंट्रल बैंक में तीसरा बेटा सेंट्रल बैंक इजीली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि देखो मनी इशू ही सेंट्रल बैंक कर रहा है तो कंट्रोल भी इजीली सेंट्रल बैंक कर पाएगा ना जब सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि मनी की सप्लाई इंक्रीज कर देनी चाहिए इकोनॉमी में तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा ज्यादा इश्यू करेगा मनी को राइट right, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है? नेक्स्ट बेटा यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी रखना आप जैसे देखो टू थाउजेंड रुपीज के नोट्स हैं सारे सेम साइज के हैं सेम कलर के हैं सेम ही पर वैल्यूज लिखी हुई है सेम ही पर्सन के साइन है तो ये सब क्या है वो सारी चीजें सेम है क्यों सेम है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सकती है क्योंकि एक ही है सेंट्रल बैंक को ही इश्यू ऑफ करेंसी का राइट right है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं बेटा इसके विच इज बैंकर टू द गवर्नमेंट देखिए हमारा बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक है है ना जनरल पब्लिक का बैंक कौन है कमर्शियल बैंक है और जो गवर्नमेंट का बैंक है और कमर्शियल बैंक का बैंक है वो है सेंट्रल बैंक तो हमें अगर कभी भी कोई बैंक अकाउंट खुलवाना हो हमें मतलब जनरल पब्लिक को तो हम कहाँ जाते हैं कमर्शियल बैंक जाते हैं क्योंकि हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है राइट हमें कोई लोन लेना हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं हमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेनी हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं राइट तो ऐसे ही गवर्नमेंट का बैंकर कौन है बेटा सेंट्रल बैंक है जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है सो so, गवर्नमेंट का जो बैंक अकाउंट मेंटेन होता है वो कौन करता है वो सेंट्रल बैंक करता है तो सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द गवर्नमेंट बैंक अकाउंट ओके दूसरा लोन भी प्रोवाइड करता है ये गवर्नमेंट को जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन की नीड होती है ठीक है तो इट लेंड्स टू द गवर्नमेंट जैसे हमें लोन चाहिए हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक हमारा बैंक है ऐसे ही बेटा जब गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए हो तो गवर्नमेंट कहाँ जाता है गवर्नमेंट भी सेंट्रल बैंक के पास जाती है ठीक है थर्ड कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस चाहिए हो सजेशन चाहिए हो ओपिनियन चाहिए हो बेटा तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी सेंट्रल बैंक के पास क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कौन है सेंट्रल बैंक है नेक्स्ट एजेंट ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को बेटा एजेंट ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी इनकम आती है तो सेंट्रल बैंक रिसीव कर लेता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे और गवर्नमेंट की कोई भी पेमेंट करनी हो तो सेंट्रल बैंक कर देता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को एजेंट ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बैंकर टू द बैंक्स अब सेंट्रल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट का बैंक नहीं है सेंट्रल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं यहां पे बैंक जो है ये कमर्शियल बैंक हैं जितने भी बेटा कमर्शियल बैंक हैं उन सबका क्या है वो बैंकर है ठीक है यानी कि इन सब बैंक के अकाउंट मेंटेन है बेटा सेंट्रल बैंक के पास तो मेंटेन द बैंक अकाउंट ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक ठीक है दूसरी चीज लैंड कभी भी अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन की जरूरत हो बेटा तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए मैम कभी बैंक को भी, भी शॉर्टेज हो जाती है कि उसे भी लोन की नीड पड़ती है बैंक को भी शॉर्टेज हो जाती है क्या मनी की यस बेटा बैंक को भी शॉर्टेज हो जाती है मनी की तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जा सकता है लोन के लिए ठीक है तो दोनों टाइप के लोन ये देता है शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म लोन्स भी ये प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी क्या मैम आर बी आई यानी कि सेंट्रल बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को लोन देने का यस yes, बेटा डेफिनेटली करता है शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट जनरली बच्चों को लगता है बैंक रेट और रेपो रेट सेम है जबकि ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग हैं रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक एंड वेयर एज बैंक रेट रेट इज इज ऑफ इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल बैंक टू लेंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक ओके नेक्स्ट बेटा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा सेंट्रल बैंक के पास जाएगा ओके और यहाँ पर आप बोल सकते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसका अलग से भी है बेटा फंक्शन लेकिन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है अंतिम समय का साथी जब बेटा कोई भी कमर्शियल बैंक बैंक हो जाता है मतलब जिसका दिवाला निकल जाता है कि अब वो पैसा वापस नहीं कर पाता अकाउंट होल्डर्स को तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को मदर ऑफ ऑल बैंक्स भी बोला जाता है जैसे हमारी मदर होती है ना कि कोई भी बैड टाइम हमारा आया वर्स्ट टाइम हमारा आया तो हमारी मदर हमारा साथ देती है तो इन द सेम वे सेंट्रल बैंक को भी मदर बोला गया ऑफ ओल द कमर्शियल बैंक्स कि कभी भी कमर्शियल बैंक के पास कोई डिफिकल्टी टाइम पीरियड चल रहा है बैंक करप्ट हो गया है कोई कमर्शियल बैंक तो सेंट्रल बैंक ही है जो आकर उसकी हेल्प करेगा ठीक है इसीलिए सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और जो पॉइंट बेटा आपको लिखने हैं बैंकर टू द बैंक्स में कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कस्टोडियन मतलब होता है बेटा रखवाला तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कैश रिजर्व रेशो होता है वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है तो यही वो चीज़ है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व रखवाने आता है तो सेंट्रल बैंक उसका कैश रिजर्व रख लेता है तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व मतलब सेंट्रल बैंक के पास जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका जो रिजर्व है कैश रिजर्व वो कहां रखा जाता है सेंट्रल बैंक उसको आराम से अपने पास रखता है ठीक है सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व आइए मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे इसके तो अब बेटा बात करेंगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन देखो इसको समझने के लिए ध्यान रखो कि आजकल बेटा इंटर बैंक चेक ट्रांजेक्शन अलाउड है इंटर बैंक चेक ट्रांजेक्शन इंटर बैंक चेक ट्रांजेक्शन क्या है बेटा मान लो मैंने किसी बच्चे को ट्यूशन क्लासेस दी ठीक है उस बच्चे ने मुझे फीस पे करी चेक के थ्रू ठीक है उस बच्चे ने मुझे आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का ठीक है अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ ये जो आई बैंक का चेक मेरे पास है क्या मैं आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच पे जाके ही इसे कैश करा सकती हूँ या किसी भी बैंक के पास जा सकती हूँ लाइक like मैं एस के पास जा सकती हूँ यानी मैं एच के पास जा सकती हूँ यानी तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दू कि अगर मेरे को किसी ने पेमेंट करनी थी और उसने मुझे चेक पकड़ा दिया फिफ्टीन थाउजेंड का तो वो आई आई बैंक का चेक है तो अब आज के एरा में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप किसी भी बैंक के पास जाके इस चेक को एन कैश करा सकते हो तो लेट सपोज बेटा मैं चली गई एच डी एफ सी में ओके एच डी एफ सी बैंक में मैं गई और मैंने ये वाला चेक वहां पर डिपॉजिट कर दिया तो एच डी एफ सी बैंक वालों ने मुझे फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज एन कैश दे दिए राइट लेकिन अब ये एच वालों ने किसके पैसे दिए आई बैंक से अब ये एच किससे मांगेगा आई बैंक से मांगेगा कि तुम्हारा चेक मेरे पास आया था और मैंने इन कैश किया है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में अब तुम डाल दो है ना तो यहाँ पे एच बैंक के पास बेटा सिर्फ आई बैंक का थोड़ी चेक आया होगा और बहुत सारे बैंक्स के चेक आए होंगे जो एच ने इनकेश किए होंगे और अब एच को उन वेरियस बैंक से पैसा कलेक्ट करना है राइट right. तो अब यहाँ पर बैंक एक दूसरे से नहीं मिलते ये काम कौन कर देता है इनके चेकिंग क्लेम्स को सेटल करने का सेंट्रल बैंक अब मैं बताती हूँ कैसे देखिए बेटा सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हर एक कमर्शियल बैंक का अकाउंट मेंटेन करता है तो इस सेंट्रल बैंक के पास बेटा आई का भी अकाउंट है आई बैंक का साथ में एच बैंक का भी बैंक अकाउंट है तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में से निकाल के एच के बैंक अकाउंट में फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ट्रांसफर कर देगा राइट और बाकी के जो भी इसके चेक क्लेम्स है जैसे ये तो एक एग्जाम्पल था जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेटल कर देगा ठीक है तो सेंट्रल बैंक को इसलिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोला जाता है कि सेंट्रल बैंक क्लियर करता है बेटा इनके चेक क्लेम्स को इससे हर एक बैंक का टाइम और एफर्ट्स बचते हैं, नहीं तो हर एक बैंक एक दूसरे को मिलने में ये चेक को क्या कर देता है सेटल कर देता है तो ये इसे बोलते हैं बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन नेक्स्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो मैंने आपको अभी बताया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है अंतिम समय का साथी तो सेंट्रल बैंक को बेटा लेंडर ऑफ लास्ट बोला जाता है क्योंकि जब भी कमर्शियल बैंक बैंक करप्ट हो जाता है बैंक करप्ट मतलब दिवाला निकल जाना अब बैंक क, बैंक जो है वो किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक होता है जो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है इतने डिफिकल्ट टाइम पीरियड में सेंट्रल बैंक ही सामने आता है कमर्शियल बैंक की हेल्प करने के लिए ठीक है इसीलिए सेंट्रल बैंक को मदर ऑफ ऑल बैंक्स भी बोला जाता है सो दिस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को यानी कि सेंट्रल बैंक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि है सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई तो अब इसमें बेटा बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है जो टूल्स इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं देखिए जो भी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी कि इकॉनमी में मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए पैसा कितना होना चाहिए कब इकॉनमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है कब इकॉनमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है अपनी एक पॉलिसी को यूज़ करके जिस पॉलिसी का नाम है मोनिट्री पॉलिसी फ़र्दर इस पॉलिसी में मैं आपको यह बता दूं बेटा मोनिट्री पॉलिसी में जो भी टूल्स हैं टूल्स को बेटा आप इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हो या आप मेजर्स भी बोल सकते हो ठीक है, 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 है जो भी मेजर्स है बेटा इसके मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जो भी टूल्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजर्स हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब है मनी सप्लाई को कब इंक्रीज करना है इकोनॉमी में और कब डिक्रीज करना चाहता है सेंट्रल बैंक तो उसको कंट्रोल करने के जो भी टूल्स हैं उन्हें बेटा दो में डिवाइड किया गया है एक है क्वान्टिटेटिव टूल्स एक है बेटा क्वालिटेटिव टूल्स ओके तो यहां पर समझेंगे बेटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स में क्या डिफरेंस होता है देखो क्वांटिटेटिव टूल्स डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को लेकिन जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते मनी सप्लाई को अब जो चीजें डायरेक्टली कंट्रोल करती है किसी भी चीज को तो वो बहुत जल्दी असर दिखाती है उनका आउटकम बहुत जल्दी नजर आता है तो क्वांटिटेटिव टूल्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव टूल क्योंकि जो क्वालिटेटिव टूल्स है वो इनडायरेक्टली

मनी एंड बैंकिंग का पार्ट वन अपलोड कर चुके हैं तो बेटा पार्ट टू देखने से पहले ना आप पार्ट वन पहले देखिएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं ठीक है तो पहले पार्ट वन देखिए अगर आपने पार्ट वन अभी नहीं देखा है तो हमने बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो उस लिंक से आप पहले पार्ट वन को देख आइए और फिर हमारी इस पार्ट टू को आप देखिए चलिए तो यहां पर क्वांटिटेटिव टूल्स में इंपॉर्टेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट अब पहले मैं आपको ये बता दू क्वेश्चन किस तरीके का आता है देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक ऑफ मनी सप्लाई नेवर कभी भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया ऐसा नहीं आएगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आने वाले हैं बेटा यहाँ पे Explain CRR as a controller measure as a control measure of money supply. ठीक है कि मतलब सी आर आर से मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है या यहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा एस एल आर है ना या यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा बैंक रेट तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा हाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट हाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इस तरीके से बेटा क्वेश्चन तो एक टूल थ्री मार्क्स का पूछा जाता है है तो अगर दो टूल्स पूछ लिए हो सकता है, एक ही क्वेश्चन में दो टूल्स पूछ लिए जाए जो कि एक सिक्स मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है तो आइए बेटा वन बाय वन हम अब अंडरस्टैंड करेंगे इन टूल्स को कि ये है क्या देखिए पार्ट वन में मैंने आपको बताया था सी क्या होता है है ना तो मैंने बेटा की फुल फॉर्म आपको बताई थी यहाँ पे भी एक बार रिकॉल करवा देती हूँ देखो फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो कैश रिजर्व रेशो अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या होती है कैश रिजर्व रेशो होता है वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है बिफोर लेंडिंग द लोन्स टू द पब्लिक पब्लिक को लोन देने से पहले जो कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो ठीक है अब देखो बेटा लेट सपोज कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया वन लाख का एंड सीआरआर है टेन परसेंट तो इसका मतलब क्या है कि डिपॉजिट में से सीआरआर कितना रखवाना पड़ेगा साइड में सीआरआर का अमाउंट आएगा बेटा टेन परसेंट ऑफ वन लैख यानी कि टेन थाउजेंड रुपीज टेन थाउजेंड रुपीज तो कमर्शियल बैंक को सीआरआर का अमाउंट साइड में करना पड़ गया बाकी का अमाउंट क्या कर देगा लोन दे सकता है, है ना तो लेंडिंग कैपेसिटी यहां पर कमर्शियल बैंक की कितनी रहने वाली है वन लैख में से थाउजेंड रुपीज साइड में कर दिए नाइनटी थाउजेंड यहां पर वो क्या दे सकता है लोन दे सकता है पब्लिक को आगे देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल उसमें मैं सिर्फ सीआरआर का रेट चेंज कर रही हूं डिपोजिट सेम है सीआरआर बेटा लेट सपोज ट्वेंटी हो जाता है 20% हो जाता है तो सीआरआर का अमाउंट अमाउंटी थाउजेंड रुपीज क्या करना पड़ेगा साइड में करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा 1 लाख ,00 का 20% है ना तो यानी कि इस टाइम पे कितना लोन वो दे पाएगा इस टाइम पे वो लोन दे पाएगा एड रुपीज का ठीक है तो यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हैं कि जो सी होता है जो कैश रिजर्व रेशो होता है वो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को क्या करता है अफेक्ट करता है जब कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी ही कम हो जाएगी तो आगे इकोनॉमी में मनी भी क्या होगी कम ही तो जाएगी तो यानी कि बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि सीआरआर अगर इंक्रीज कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक सीआरआर का रेट डिसाइड करता है कि कितना होगा टेन परसेंट होगा ट्वेंटी परसेंट होगा कितना होगा अगर बेटा सीआरआर सेंट्रल बैंक क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है तो उससे क्या होता है उससे ज्यादा सारा अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है कमर्शियल बैंक को जिसकी वजह से उसकी लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है लैंडिंग कैपेसिटी मतलब जितना वो लोन लोगों को दे सकता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है तो जब लेंडिंग कैपेसिटी ही कम हो जाती है तो मतलब लोगों के पास लोन का पैसा कम जाता है जब लोगों के पास लोन का पैसा कम जा रहा है तो यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो रही है कम हो रही है तो जब भी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम करना चाहता है बेटा तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक को कर देता है और अब इसका दूसरा इफेक्ट देखेंगे अगर अगर डिक्रीज डिक्रीज हो हो जाएगा अगर CRR हो जाएगा तो मतलब अब डिपॉजिट में से कम अमाउंट को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को अब ज्यादा सारा अमाउंट कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल रहेगा लेंड करने के लिए लोगों को लोन देने के लिए तो यानी कि यहां पर जो कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा इंक्रीज हो जाएगी तो अब क्योंकि कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज़्यादा लोन देगा पब्लिक को जिसकी वजह से पब्लिक के पास पैसा जाएगा इकोनॉमी में यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो यहां पर सीआरआर को इंक्रीज करना होगा अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम करना चाहता है इकोनॉमी में और सीआरआर को डिक्रीज करना होगा अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है इकोनॉमी में अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एस की अब ये एस क्या होता है ये होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो अब ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है बिफोर लेंडिंग लोन टू द पब्लिक पब्लिक को लोन देने से पहले जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है वो होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो ठीक है लेट सपोज बेटा डिपोजिट है वन लैख के और अभी एस का रेट है टेन परसेंट तो यानी कि आर का कितना अमाउंट साइड में रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा बेटा वन लैक का टेन परसेंट यानी कि 10 ,000. 10 ,000 रुपीज अपने पास रखना पड़ेगा आउट ऑफ ऑफ द और बाकी का क्या दे पाएगा लेंड कर पाएगा तो यानी कि लेंडिंग कैपेसिटी कितनी है यहां पर लेंडिंग कैपेसिटी है बेटा नाइनटी थाउजेंड अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लेट सपोज डिपोजिट तो वन लैख ही है लेकिन जो एस एल आर का रेट है वो ट्वेंटी परसेंट हो गया है तो मतलब अब कमर्शियल बैंक को अपने पास ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ रखने पड़ेंगे यानी कि ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ अपने पास रखने पड़ेंगे मतलब अब लैंड कितना कर पाएगा एट्टी थाउजेंड रुपीज़ लेंड कर पाएगा ठीक है तो यानी कि बेटा आप देखो कि जैसे ही एस का रेट बढ़ा टेन परसेंट से ट्वेंटी परसेंट हुआ तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो गई कम हो गई नाइनटी थाउजेंड से एट्टी थाउजेंड हो गई तो यही कुछ ऐसा होता है कि अगर एस का रेट भी बेटा सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है तो अगर सेंट्रल बैंक एस का रेट इंक्रीज कर देता है एस का जब रेट इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है सेम है, ही है ये है ना इफेक्ट मतलब सेम है जैसे वो भी इंक्रीज होता है तो लेंडिंग कैपेसिटी कम तो मनी सप्लाई कम तो यहाँ पर भी वही सेम इफेक्ट है बेटा आगे मनी सप्लाई क्या हो गई कम हो गई और इसका वाइस वर्सा अगर एस एल आर का रेट कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो यानी कि कम पैसा अब कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा डिपॉजिट्स में से तो ज्यादा वो लेंड कर पाएगा तो लेंडिंग कैपेसिटी तो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहता है तो एस का रेट सेंट्रल बैंक को इंक्रीज करना होगा और अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है तो एस का रेट सेंट्रल बैंक को डिक्रीज करना होगा अब आगे चलते हैं बैंक रेट अब ये बैंक रेट क्या है देखो बेटा जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से अब मैम क्या सेंट्रल बैंक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए यस बेटा डेफिनेटली चार्ज करता है देखो सेंट्रल बैंक दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट एक होता है बेटा बैंक रेट एक होता है रेपो रेट बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए बैंक रेट चार्ज करता है ठीक है और जो शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक उसे हम बोलते हैं रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए ठीक है अब यह तो हो गई बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में बात ठीक है अब हम बात करेंगे मैम ये तो चलो सेंट्रल बैंक चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन देता है तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम क्या बोलते हैं तो बेटा उसे हम बोलते हैं लेंडिंग रेट लेंडिंग रेट रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कमर्शियल बैंक चार्ज करता है पब्लिक से फॉर लेंडिंग द लोन्स टू द पब्लिक अब देखो बेटा अब हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक पब्लिक कमर्शियल बैंक से लोन मांग रही है लेकिन कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है लोन देने को तो कमर्शियल बैंक ने सोचा मैं ऐसा करता हूं सेंट्रल बैंक से बोरो कर लेता हूं लोन ले लेता हूं सेंट्रल बैंक से और आगे पब्लिक को लोन दे दूंगा अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी प्रॉब्लम ये आएगी देखो बेटा कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना लेट सपोज देखो यहां पर लेट सपोज ये है कमर्शियल बैंक ये है सेंट्रल बैंक और ये है बेटा पब्लिक है ना अब कमर्शियल बैंक ने लोन लिया किससे सेंट्रल बैंक से टू गिव द लोन टू द पब्लिक अब लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने चार्ज किया से 10%. तो कमर्शियल बैंक इससे टेन परसेंट से तो ऊपर ही लेगा पब्लिक से लेट सपोज पब्लिक से उसने लिया फिफ्टीन ठीक है तो बैंक रेट यहां पर टेन परसेंट है बट जो लेंडिंग रेट है वो कितना है बेटा बेटा आगे अगर अगर अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं अगर सेंट्रल बैंक ने बैंक ने कमर्शियल को लोन दिया 20 पे तो आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन कितना देगा 30 पे है ना तो आप देख रहे हो अगर सेंट्रल बैंक रीजनेबल कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है तो आगे कमर्शियल बैंक भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक से चार्ज करेगा अगर सेंट्रल बैंक ही कम चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आगे कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे पाएगा लेकिन अगर तो आप देख रहे हो बेटा इस डायग्राम से कि सेंट्रल बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है फॉर लेंडिंग द लोन उससे कहीं ऊपर ही जाता है लेंडिंग रेट है ना तो मतलब बैंक रेट के ऊपर कहीं ना कहीं लेंडिंग रेट डिपेंडेंट है राइट right. अगर सेंट्रल बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो आगे कमर्शियल राइट right. लेकिन अगर सेंट्रल बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा मतलब हाई बैंक रेट चार्ज करेगा तो आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को और हाई पे देगा मतलब लैंडिंग रेट और ज्यादा हाई रहेगा तो अब यहां पे आपने देखा कि बैंक रेट का इफेक्ट कहीं ना कहीं किस पे आता है लेंडिंग रेट पे। अब बात करेंगे इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है बैंक रेट से तो देखते हैं बेटा देखिए जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है तो उससे क्या होगा लेंडिंग रेट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा लेंडिंग रेट इंक्रीजेस जब लेंडिंग रेट बहुत ज्यादा हाई होता है बेटा तो अपने आप जो बोरोवर्स होते हैं मतलब जो लोन मांग रहे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं कि हमें लोन नहीं चाहिए इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन इस टाइम क्या मिल रहा है कॉस्टली मिल रहा है तो यहां पर बेटा बोरोवर्स यानी कि जो लोन मांग रहे थे बोरोवर्स अपने आप डिस्करेज हो जाएंगे टू टेक द लोन तो जब लोग लोन लेंगे ही नहीं तो पैसा कैसे जाएगा इकोनॉमी में है ना तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि पैसा ही नहीं जाएगा इकोनॉमी में क्योंकि लोग लोन लेने को तैयार ही नहीं है अब दूसरी चीज देखते हैं अगर बैंक रेट बेटा डिक्रीज हो जाता है तो लेंडिंग रेट भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा जब लेंडिंग रेट डिक्रीज होता है ना तो बोरोवर्स बोरोवर्स काफी एक्टिव हो जाते हैं टू टेक द लोन क्योंकि काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उन्हें मिल रहा है, है ना तो बोरोवर्स एनकरेज हो जाते हैं टू टेक द लोन बोरोवर्स एनकरेज टू टेक द लोन ठीक है तो उस टाइम पे क्या होता है मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी में क्योंकि बहुत सारे लोग लोन मांगते हैं तो कमर्शियल बैंक लोन दे भी देता है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से बेटा बैंक रेट कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को यानी कि हमने क्या देखा अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम करना चाहता है इकोनॉमी में तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा और अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीस करना चाहता है इकोनॉमी में तो बैंक रेट को सेंट्रल बैंक क्या करेगा Decrease कर देगा ठीक है तो कुछ ऐसा तो इन शॉर्ट अभी आपने तीनों का अगर मैं बोलूं तो क्या देखा सी आर आर एस एल आर और बैंक रेट तो आपने यही देखा बेटा अगर मनी सप्लाई कम करनी है सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को कम करना है तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक इन तीनों चीजों को क्या करेगा इंक्रीज करेगा और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में तो इन तीनों चीजों को सेंट्रल बैंक क्या करता है डिक्रीज करता है राइट अब बेटा रेपो रेट का क्या इफेक्ट होगा रेपो रेट का भी यही सेम इफेक्ट होने वाला है जो बैंक रेट का है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे अब हम बात करेंगे बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन की अब जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का बैंक कौन है सेंट्रल बैंक है जब भी गवर्नमेंट के कोई बोन्स इशू होते हैं या शेयर इशू होते हैं तो वो सेंट्रल बैंक करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अब देखिए जब सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि लोगों के पास पैसा कम हो जाए मनी सप्लाई यानी कि क्या हो जाए इकोनॉमी में कम हो जाए तो सेंट्रल बैंक क्या करता है सेंट्रल बैंक इशू कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को इशू कर देता है लोगों के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के शेयर इशू कर दिए ओपन मार्केट में गवर्नमेंट के बोन्डस इशू कर दिए गवर्नमेंट के डिबेंचर्स इशू कर दिए ओपन मार्केट में तो क्या होगा तो इससे ये होगा बेटा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए लोग पैसा देंगे तो अब पैसा किसके पास आ जाएगा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा लोगों से तो लोगों के पास पैसा क्या हो गया कम हो गया तो कैश विद पब्लिक विल डिक्रीज है ना क्योंकि बेटा पब्लिक पैसा लगा रही है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने में पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चली गई लेकिन पब्लिक से पैसा सेंट्रल बैंक की तरफ चला गया गवर्नमेंट की तरफ चला गया तो ये होता है इशू करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करने से मनी सप्लाई कम हो जाती है अब दूसरी बात जब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा तो बेटा सेंट्रल बैंक जो मतलब लोगों के पास अभी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं गवर्नमेंट के शेयर्स हैं बोन्स हैं डिवेंचर्स हैं तो वो खरीदना शुरू कर देगा पब्लिक से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या किया जाएगा परचेज की जाएगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो लोगों के पास हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक अब इससे क्या होगा इससे यह होगा कि अब सेंट्रल बैंक यानी कि गवर्नमेंट से बेसिकली सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के पे ही हाँ तो पेमेंट करेगा ना तो सेंट्रल बैंक से पैसा पब्लिक के पास चला जाएगा है ना तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी जब जब पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगी सेंट्रल बैंक को ठीक है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बेटा यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन कि इश्यू करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एंड परचेज करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन द ओपन मार्केट दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन तो इस तरीके से ओपन मार्केट को यूज किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है तो इशू कर दिया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचने के लिए और जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है पब्लिक में तो परचेज की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट की मार्जिन रिक्वायरमेंट जो कि हमारा क्वालिटेटिव टूल है अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में मैंने मैंने यहाँ पे बेटा बात करी है सारे के सारे टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टूल को मेक श्योर sure आप छोड़कर नहीं जाएंगे चलिए केस वन की बात करते हैं देखिए बेटा जैसे हमें पता है कि हमें अगर बैंक से लोन लेना होता है तो हमें कोलेट्रल रखवाना पड़ता है अब ये कोलेट्रल क्या होता है कोलेट्रल होता है कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखवा देना फॉर टेकिंग द लोन है ना तो बैंक से लोन लेना है तो चीज़ तो गिरवी रखवानी पड़ेगी तो लेट सपोज आर का रूल है सेंट्रल बैंक का भी रूल है कि अगर आपको लोन लेना है वन लाख रुपीज का तो कम से कम आपको एसेट जो मोटगेज करानी पड़ेगी उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.5 पॉइंट ठीक है तो अब इससे क्या पता लग रहा है आपको कि अगर मैं लोन लेती हूं एक लाख रुपए का जिसके लिए मुझे एसेट गिरवी रखवानी पड़ती है डेढ़ लाख रुपए की तो यानी कि मेरा रिस्क कितना है फिफ्टी थाउजेंड मेरा रिस्क है ऑफ टेकिंग द लोन अब दूसरी बात करते हैं दूसरे केस की अब यहां पर क्या बोला सेंट्रल बैंक ने कि अगर आपको लोन लेना है वन लाख रुपीस का तो आपको एसेट मोटगेज करनी पड़ेगी कम से कम थ्री लाख रुपीस की ठीक है थ्री लाख की एसेट आपको मोटगेज करनी पड़ेगी तो यहां पर रिस्क कितना है यहां पर रिस्क हो गया है अब टू लाख का है ना कि अगर मैं लोन का पैसा नहीं चुका पाई तो बैंक मेरी तीन लाख की एसेट मेरे से ले लेगी ठीक है मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एसेट मोटगेज जो एसेट आपने गिरवी रखवाया है उसकी वैल्यू और द लोन टेकन उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट अब जैसे यहाँ पर हम देखें एसेट हमने तीन लाख की मोटगेज की है टू टेक द लोन ऑफ वन लाख तो जो डिफरेंस है बेटा वो है टू लाख का मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है टू लाख की है जितनी ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है उतना ज्यादा रिस्क लोन लेने पर बढ़ जाता है, है ना तो बेटा अब हम देखेंगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैसे यूज किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए देखिए जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो जाए इकॉनमी में लो, लोग लोग लोन कम लें ताकि पैसा कम जाए इकोनॉमी में तो सेंट्रल बैंक ना रिस्क ऑफ टेकिंग लोन बढ़ा देता है मतलब सेंट्रल बैंक उस टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को इनक्रीज कर देता है क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उससे क्या होगा रिस्क उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑन टेकिंग लोन इंक्रीज होगा रिस्क इंक्रीज होगा तो बेटा बोरोवर्स अपने आप डिस्करेज हो जाएंगे टू टेक द लोन तो जब लोग खुद ही लोन नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी अब हम दूसरी बात करते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक देखिए मनी सप्लाई इंक्रीज जब करना चाहता है सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक उस टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा ताकि बेटा रिस्क कम हो जाएगा लोन लेने का तो यहाँ पर जो एनकरेज होंगे टू टेक द लोन बोरोवर्स विल बी एनकरेज द बोरोवर्स विल एनकरेज टू टेक द लोन यहाँ पे बोरोवर्स एनकरेज होंगे लोन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग लोन मांगेंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा लोन के तौर पे और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक बेटा इन टूल्स को यूज करके ये जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़े हैं उनको यूज करके सेंट्रल बैंक क्या करता है कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारी जो टीम है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ इस सेशन को एंड करने की और बेटा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में बढ़िया से यूजफुल कंटेंट के साथ तो यहाँ पर सेशन को एंड करती हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय टेक केयर जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग